नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज न्यूज में। दोस्तों अभी एक सबसे बड़ी खबर निकल के आई है जो कि केरल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, केरल में अभी एक बहुत ही बड़ा जो है हादसा देखने को मिला है, जहां पर एक हाथनी को जो है पटाखे के साथ एक फल खिलाकर जो है इसकी मौत की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मौत करने वाले शख्स कौन है इसकी पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे और जो है इसकी पूरी खबर हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन इसके चलते इसको लेकर जो है सबसे बड़ी खबर सामने ये देखने को मिली है कि केरल के जो है इस हाथनी को पटाखे का फल खिलाने के बाद जो मौत हुई है उसमें जो है हमारे मुसलमान भाइयों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और बहुत जो है मुसलमान भाइयों की वहां पर तारीफ की जा रही है। तो इसकी पूरी खबर हम विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो को जितने भी हमारे हिंदू मुसलमान भाई देख रहे हैं तो प्लीज यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली हर ताजी खबर आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि केरल एक ऐसा देश है जहां पर जो है जानवर से लेकर कुछ ऐसी घटनाएं हुआ करती हैं, जहां पर एक कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जहां पर रोड पे किसी शख्स ने जो है कुछ जहर भरी वस्तुएं या कुछ ऐसी चीजें डाल दी थी, खाद्य पदार्थ, जहाँ पर कुछ पशु पक्षी और जो है जानवर खा के वहाँ पे मरे थे। लेकिन उसके बाद जो है एक अनबोला पशु जो कि हाथनी के साथ एक बहुत ही बड़ा जो है हादसा किया गया है, जो कि वो गर्भवती हाथनी थी, उसके जो है पेट में जो है एक छोटा सा बच्चा पल रहा था, वहां पर जो है उसको कुछ जो है पटाखे भरा जो है कुछ ऐसी चीज खिला दी जिससे उसकी मौत हो गई और वो पानी में उसको जो है डाल दिया गया। उस पानी में से उसको निकाला नहीं गया और बहुत सारे वहां पर लोग खड़े खड़े तमाशा, और उस हाथनी बिचारी अपना जो है दम तोड़ दी। उसी के चलते वहां पर जो है 7 से 8 जो है हमारे मुसलमान भाई खड़े थे, जहां पर उसको जो है पानी से निकाल के जो है उसकी जान बचाई। लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग भी खड़े थे जो कि उसकी मौत का तमाशा देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ मुसलमान भाइयों ने जो है कानून प्रशासन में फोन किया और उसके बाद जो है इस हाथनी के बच्चे को, गर्भवती हाथनी को जो है पानी से निकाला गया और उसके बाद जो है इसका दाह संस्कार किया गया। दोस्तों इस हाथनी को जो है पटाखे का फल देखने के बाद जो है वो लोग सख्त पकड़े जा चुके हैं और उनको उन पर जो है बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है हमारे कुछ मुसलमान भाइयों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया, तो उनको दिल से सलाम, बहुत ही अच्छा काम किया, तो उन्होंने बहुत ही बड़ा इसमें योगदान दिया। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतनी ही खबर। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और ऐसे ही ताजी खबरें पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाकर चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाए, जिससे आने वाली चैनल की हर कोई ताजी खबर आप हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।